अगर आयोग पर उंगली उठती है तो यह केवल और केवल आयोग की गलती के कारण होता है आयोग इसके लिए उत्तरदायी है और नहीं तो वह फिजिकल का डेट निकाले अब तो कोरोना नहीं है सरकार वैकेंसी निकाल देती है परीक्षा भी हो जाती है क्वेश्चन वायरल भी हो जाता है अभी इंटरव्य का क्या हुआ आप देखिए रहे हैं आठ साल हो गया तो ईएसआई एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि ईएसआई का आखिर आप फिजिकल क्यों नहीं ले रहे हैं ई एस का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं इसका और इसी देरी के कारण हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय भी कहते हैं कि रहमनवा गाली बखता है फिजिकल और इंटरव्यू बचा है तो उसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कि बच्चों के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है इस तरह की लेट ततीफी के कारण असंतोष बढ़ती है और असंतोष के कारण ही विद्रोह होता है या कि किसी भी तरह का विद्रोह हुआ हो याद की तो मैं किसी भी तरह के हिंसात्मक विद्रोह का समर्थन नहीं करता हूँ आंदोलन केवल हिंसा के बल पर ही नहीं होती है अहिंसा के बल पर आंदोलन चूल से चूल हिला देती है यह मैं बार बार कह रहा हूँ मैं बच्चों के साथ था, था हूँ और रहूंगा अगर अब लेट हुई तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे सरकार को झुकना पड़ेगा सरकार को मानना पड़ेगा नमस्कार आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप मैं हूं आदेश पुरी बाईस सौ तेरह बिहार दरोगा आपको बताएं कि अब लगभग 45 दिनों के आसपास 45 दिनों से ही कम समय बचा हुआ है मेंस के परीक्षा को लेकर और इसके अलावा आपको ये बता दें कि चौबीस की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है और राजगीर उनके जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और बहुत जल्द उनका ट्रेनिंग भी शुरू होगा तो कहें तो बहुत ही सुनहरा अवसर है बिहार में जिनको दरोगा बनना है और खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो बाईस सौ तेरह के मेंस के लिए चयनित हुए हैं अगले चालीस दिनों में क्या करना है कैसे करना है कैसे किस किस चीज़ पर प्लानिंग करना है हमेशा आपको हम बताते हैं लेकिन चालीस दिनों में आपको अब कितना अपना रफ्तार बढ़ाना है कैसे तैयारी करना है कि आपका चयन फिजिकल के लिए हो राम सर हैं इन्हीं से बात करेंगे सर चालीस दिन ही मान के चला जाए मोटा मोटी चालीस दिन बचा हुआ है क्या करना चाहिए छात्रों को सिलसिलवार सर बताते हैं सर कि कैसे कैसे भी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों ने पी पास किया है वो निश्चित रूप से वो पढ़े हुए लड़के हैं जो जो पढ़ के पास किए हैं और ऑलमोस्ट उनका बेसिक जो, जो कंसेप्ट है और यूँ कहिए कि डेप्थ में भी उन लोगों ने पढ़ाया तो पी पास किया है तो अब उनसे मेरा यही नव निवेदन होगा जैसे जो पोर्सन उनका बहुत अच्छा है उसको केवल सिर्फ एक नजरिए से देख ले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कुछ उठपटांग टाइप का क्वेश्चन जिसे पीटी में पूछा था जिसको स्टैटिक क्वेश्चन कहा दिया गया तो उस तरह के लिए कोई एक अच्छी सी सामान्य ज्ञान की पुस्तक जो कि बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते हैं और ए, लुसेंट उठा लेते हैं या किसी तरह कोई किताब उठा लेते हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है एक अच्छी सामान्य ज्ञान की पुस्तक उसको पढ़ें और आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स और आर एस अग्रवाल का हिरीजनिंग का जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ मैं बार बार आपके चैनल से बताते आया हूँ कि करेंट एसपीस में नहीं है लेकिन करंट पूछेगा क्योंकि ईएसआई में भी करंट नहीं था और ईएसआई में चौदह करंट पूछा था तो मैंने पर, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि कोई एटम बम परमाणु बम हाइड्रोजन बम नाइट्रोजन बम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप दिसंबर से लेकर मार्च तक का प्रतियोगिता दर्पण का लाइन बाय लाइन कौन दिसंबर इक्कीस हाँ दिसंबर इक्कीस से लेकर आप मार्च तक जो आएगा फरवरी में आ जाएगा मार्च तक मार्च तक का प्रतियोगिता दर्पण अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में करंट की भी समस्या दूर हो जाएगी और एस्टेटिक को समस्या भी दूर हो जाएगी और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि दो अच्छे पब्लिकेशन का सेट उसका डेली प्रैक्टिस करें कम से कम दो क्वेश्चन और दो तीन बच्चों का ग्रुप बनाएं ज़्यादा ग्रुप बनाएगा तो उसमें दिक्कत होगी दो तीन बच्चों का ग्रुप बनाए ग्रुप बनाकर पढ़े और जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी सर आपने ई का बात किया सर ई का मेन्स का रिजल्ट नौ अक्टूबर को आया और आज तक कुछ नहीं हुआ 2019 का बहाली है क्या लगता है सर छात्र उनके हमेशा मैसेज करते हैं फ़ोन करते हैं कि आखिर हम लोगों के परीक्षा लेने के बारे में क्या आयोग भूल चुका है क्या देखिए यहाँ पर एक परिपाटी है आदेश मैं बता दूँ आपको कि ए, सरकार वैकेंसी निकाल देती है परीक्षा भी हो जाती है क्वेश्चन वायरल भी हो जाता है अभी इंटरव्य तरीका क्या हुआ आप देखिए रहे हैं आठ साल हो गया तो ईएसआई एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि ईएसआई का आखिर आप फिजिकल क्यों नहीं ले रहे हैं ई एस आई का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं इसका और इसी देरी के कारण हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय भी कहते हैं कि रहमनुमा गाली बखता है इस तरह की बात उन्होंने कहा है तो अगर हम लोग गाली तो नहीं बकते हैं ना गाली आप बकते हैं ना हम बकते हैं लेकिन इतना तो तय है कि ई का आपने रिटर्न ले लिया है ई में रिटर्न लड़के पास कर गए हैं तो अब उनका फिजिकल और इंटरव्यू बचा है तो उसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कि बच्चों के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है और आप संशय की स्थिति उत्पन्न करने वाले खुद हैं ना आदेश है ना रहमान है ना कोई है, कोई और है तो गलती आप करें और उसके ऊपर दोषारोपण हम लोग करें यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है अभी भी माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं कह रहा हूँ माननीय शब्द लगा के कह रहा हूँ कि आप ई एस आई का फिजिकल गालिए ई एस आई का, का इंटरव्यू लीजिए क्योंकि इस तरह की लेट लतीफी के कारण असंतोष बढ़ती है और असंतोष के कारण ही विद्रोह होता है या किसी भी तरह का विद्रोह हुआ हो या तो मैं किसी भी तरह के हिंसात्मक विद्रोह का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन अगर आयोग पर उंगली उठती है तो यह केवल और केवल आयोग की के गलती के कारण होता है आयोग इसके लिए उत्तरदायी है और नहीं तो फिजिकल का डेट निकाले अब तो कोरोना नहीं है अब रूस से यूक्रेन के युद्ध में आयोग को कुछ लेना देना नहीं है तो आप फिजिकल का डेट निकाले और इनका इंटरव्यू ले क्योंकि बहुत बच्चे व्यतीत हैं बार बार बच्चे कह रहे कि आवाज़ उठाइए आवाज उठाइए तो हम लोग आवाज उठाएँ और आयोग सुने अब सुन के कान में तेल डाल के सुझ जाए और बस बोले कि रहनवा गाली बगता है ये गाली बगता है वो गाली बगता है ये गलत बात है अगर बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन केवल हिंसा के बल पर ही नहीं होती है अहिंसा के बल पर आंदोलन चूल से चूल हिला देती है यह मैं बार बार कह रहा हूँ मैं बच्चों के था हूं और रहूंगा अगर अब लेट हुई तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे सरकार को झुकना पड़ेगा सरकार को मानना पड़ेगा अनशन में बैठेंगे लेकिन सर आपको बताए कि जो दरोगा परीक्षा में जो मांग होती है जैसे कि कार्बन कॉपी दिया जाए एंसर सिटी दिया जाए इंडेक्स बताया जाए कट ऑफ बताया जाए उसी को लेकर और परीक्षा में बिहार में विभिन्न आयोग की खामियों को लेकर दिलीप के द्वारा जिला वाइज आंदोलन किया जा रहा है परसों नालंदा में है क्या कहना है सर इसको लेकर सर देखिए दिलीप अगर कोई भी आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से करता है तो मैं उसके साथ हूं हंड्रेड परसेंट साथ क्योंकि मैं से इतर नहीं जा सकता क्योंकि रेलवे के एग्जाम्सल में आप लोग देखे होंगे कि अभी भी पांच बच्चे जो जेल गए हैं किसी की चुट, कोई छूटा नहीं है और इस पर तरह तरह का केस लाद दिया गया है तो अहिंसात्मक आंदोलन कोई भी दिलीप करे कोई भी करे अहिंसात्मक आंदोलन के साथ गुरु रहमान था है और मरते दम तक रहेगा लेकिन जहां हिंसा का प्रश्न जहां पार्टी का प्रश्न उठ जाएगा जहां जाति का प्रश्न उठ जाएगा जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड का प्रश्न उठ जाएगा वहां पर मैं एक कदम भी साथ नहीं हूं जहां यहाँ छात्रों की बात उठेगी तो मैं मरते दम तक उसके साथ हूँ सर आपने रेलवे का बात किया सर रिपोर्ट सौंपेगी सर उसका समय पूरा हो रहा है क्या लग रहा है परसों क्या निर्णय क्या आने वाला है देखिए दो निर्णय तो तय है जो जैसा कि हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी से भी बात किया मैंने उसके बाद तारकिशोर सर से भी मैंने बात किया तो और सब लोगों ने टीचर बात किया तो मैंने भी स्पेशली रंग से बात किया तो ये तय है कि सात लाख लग... साढ़े सात लाख के लगभग रिजल्ट देंगे और ग्रुप डी में आपको ये नहीं होगा सी बी सी बी टू नहीं होगा सी बी टू नहीं होगा लेकिन रेलवे में कुछ मुद्दा कैलेंडर का भी है कैलेंडर जारी करने का है और नॉर्मलाइसन की भी तारीख बहुत सारा मुद्दा है तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि छात्रों के हित में और देश हित में ये छात्र के हित क्या है छात्र के हित है मतलब देश का हित है देश हित में फैसला आना चाहिए और नहीं तो उसके बाद मैं स्पष्ट रूप से छात्रों से कहूँगा कि कहीं रेलवे लाइन जाने की आवश्यकता नहीं है किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में आग लगाने और तोड़ना मतलब अपने घर में आग लगाने के बराबर है तो वैसी परिस्थिति में अगर छात्रों के विरुद्ध होता है तो हम लोग पटना से गांधी मैदान से प्रगति मैदान मार्च करने के लिए तैयार हैं उसमें सारे छात्र हैं और अहिंसात्मक मार्च करना अहिंसात्मक आंदोलन करना किसी भी दृष्टिकोण से गुनाह नहीं है ये

कि छात्र सरकार बनाते हैं तो छात्र गिराते भी हैं हिंसा के बल पर सरकार नहीं गिर सकती है तो अहिंसा के बल पर सरकार गिर जाएगी बच्चों की बात को मानना होगा और मुझे लगता है कि सरकार को बच्चे की बात के हित में ही फैसला आना चाहिए तो सर के छात्रों के हित में ही फैसला आना चाहिए लेकिन आपको बताएं कि रेलवे के द्वारा कम से कम ये भी कदम उठाया गया कि छात्रों की शिकायतें मांगी गई और आशा है कि उनकी मांगों को माना भी जाएगा लेकिन बिहार में अन्य परीक्षाओं को देखिए अगर हम विभिन्न विभागों की जो आयोग हैं उनकी कार्रवाई को देखें तो वो एक तरफा है वो अपने मर्जी से जैसे परीक्षा कंडक्ट कराना होता है कराते हैं छात्र चिल्लाते रहें उनसे कोई असर नहीं पड़ता है और इसी को लेकर जो है अब छात्रों ने फैसला लिया है कि वो जिला वाइज जाकर छात्रों को संगठित करेंगे और सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि पारदर्शिता के साथ हर एक परीक्षा को लिया जाए और किसी के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो पाए तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है आगे लेकिन आपको बताएं कि बाईस और तेरह बिहार दरोगा का चौबीस अप्रैल को मेंस है उसके लिए आप जी जान से लग जाइए चालीस दिन बचा हुआ है हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है आप अच्छा प्रदर्शन करें तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद